नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुजिगा स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 22 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स, जो आपको आपके आसपास हो रही घटनाओं से अवगत कराएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो इसका सही उत्तर है असम। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए असम सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या दो, अभ्यास कोंकण 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी चैनल। अंग्रेजी चैनल में अगस्त 2021 में INS टाबर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या तीन, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमेम्ब्रेंस टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 अगस्त। हर वर्ष 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रेमेम्ब्रेंस टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है, पीड़ितों को मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या चार, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1988 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने प्रस्तावित किया था। प्रश्न संख्या पाँच, भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है 44.3%। भारत में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। प्रश्न संख्या छः, किस शहर में 0 माइल फ्रीडम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नागपुर। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के सीताबुलरी 0 माइल फ्रीडम पार्क कस्तूर चंद पार्क के 1.6 किलोमीटर लंबे खड्ड का उद्घाटन 20 अगस्त 2021 को नागपुर में किया गया था। चौथी मंजिल पर मेट्रो रेल के साथ 20 मंजिल भव्य इमारत का हिस्सा बनने वाला यह देश में अपनी तरह का पहला शहर होगा। प्रश्न संख्या सात, हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यू राजा बाबू को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रमुख वैमानिकी प्रयोगशाला है। प्रश्न संख्या आठ, पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 9, UGC द्वारा हाल ही में किस विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है कालाहांडी विश्वविद्यालय। UGC ने ओडिशा में कालाहांडी विश्वविद्यालय भवानीपटना को मान्यता प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय अब केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है। प्रश्न संख्या 10, किस राज्य सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 अगस्त 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य MTech और PhD सहित कई पाठ्यक्रमों की पेशकश करके कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से समाज को लाभ पहुँचाना है। प्रश्न संख्या 11, इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है? तो इसका सही उत्तर है विद्या बालन और मनोज वाजपेयी। विद्या बालन और मनोज वाजपेयी ने इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में शीर्ष पुरस्कार जीता है। विद्या बालन ने शेरिनी और मनोज वाजपेयी ने दी फैमिली मैन 2 के लिए यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य सरकार द्वारा 2 क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 2 क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे कृषि आधारित क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपए के निवेश की सुविधा होगी। क्रेडिट कार्ड से जुड़े 3 घटक होंगे, बैंक ऋण, सब्सिडी और लाभार्थियों का योगदान। प्रश्न संख्या 13, किस देश द्वारा गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने एक गोपनीयता कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करने से रोकना है।
प्रश्न संख्या 14, हाल ही में 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को सफलतापूर्वक फतह किया गया है? तो इसका सही उत्तर है माउंट मणिरंग। 3 सशस्त्र बलों की एक महिला टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग को सफलतापूर्वक फतह किया गया है। प्रश्न संख्या 15, अस्थायी रूप से निकाले गए अफगानों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। तालिबान इस्लामी आंदोलन द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात अस्थायी रूप से देश से निकाले गए 5000 अफगानों की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर भी करें।